सामाजिक उत्थान और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राजपूत करनी सेना के द्वारा क्षत्रिय जन चेतना महारैली इंदौर के पिगडंबर से पांडा तक निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से करनी सेना ने सियासी दलों को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की। इस यात्रा में भगवा पगड़ी में राजपूत समाज के युवा और समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिसे लेकर मूल करनी सेना के पदाधिकारियों ने लंबे समय से तैयारियां कर रखी थी। राजपूत के उत्थान और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ये भव्य आयोजन हुआ। आयोजन की शुरुआत पिगडंबर स्थित चौराहे पर समाजजन एकत्रित हुए और महारैली के रूप में शौर्य स्थल पर पहुंचे, जहां समाज के नेताओं और वरिष्ठ गणों ने सभी को संबोधित भी किया। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि राजपूतों को नजरअंदाज करना सियासी दलों को भारी पड़ सकता है। बीजेपी की तीन सोची हो गई है, कितने क्षत्रियों को टिकट दिया आपने देखा होगा, तीन सूचियों में कहीं ज्यादा नामो निशान नहीं है, तो इस तरीके की अंधे की वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग बिना बुलाए जाके वहाँ सीएम हाउस बैठ जाते हैं। हमारे लोग टुच्चीगिरी जो कर रहे हैं, जो अपने अपने जेबें भर रहे हैं केवल सत्ता के नाम पे, कुछ चंद लाख रुपए के लिए, कुछ करोड़ रुपए के लिए अपने समाज को बेचना कहाँ तक आप लोगों को लगता है उचित है? हम नहीं होने देंगे, कभी बिके नहीं है न बिकने देंगे। समाज बेचने के लिए नहीं है, समाज का जो सौदा कर रहे हैं बाकायदा उनको मुंह की खानी पड़ेगी और बाकायदा जवाब देना पड़ेगा सामाजिक मंचों पर। आज हम लोग हर एक व्यक्ति की खिंचाई करेंगे जो हमारे समाज के नाम पर रोटियां सेक रहा है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, 10% EWS का आरक्षण आपके यहाँ केवल झुंझुना है। उसके नाम पर किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली है। इतने सारे बैरियर है कि आम गरीब ब्राह्मण गरीब वैश्य गरीब क्षत्रिय कोई इससे सरकारी नौकरी नहीं ले सकता जब तक सरलीकरण नहीं होता और बढ़ के 14% नहीं होता। राजपूत करनी सेना की यही मांग है कि राजपूतों को जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में उचित स्थान मिले। इंदौर से मृदुभाषी के लिए टोनी वैद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।